नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। मुंबई का 26/11 हमला सबको याद है, जब 2008 में आतंकी समुद्र के रास्ते घुसे थे और भारत के तमाम ऐसी जगहों को निशाना बनाया था जहां पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, चाहे वो शिवाजी टर्मिनल हो, चाहे वो लियोपोल्ड कैफ़े हो, चाहे वो हो भारत का सबसे महंगा होटल ताज होटल, और साथ ही साथ कई अन्य जगहों को निशाना बनाया गया था जिसमें हॉस्पिटल भी एक था। यानी कि कुल मिलाकर के इस जख्म, ये जो आतंकी हमला था, इस आतंकी हमले के जख्म अभी तक भरे भी नहीं है कि ऐसा ही एक हमला जो है वो अब रूस में हो गया है, रूस की राजधानी मॉस्को में हो गया है। ये हमला इतना खतरनाक है कि इसमें लगभग 60 से ज़्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और वहीं 145 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में आतंकी हमला हुआ है। आपको बता दें कि शुक्रवार को आतंकी हमले से मॉस्को पूरा का पूरा दहल गया। 4 से 5 अज्ञात बंदूकधारियों ने शहर के व्यस्त क्रोकस सिटी कंसर्ट हॉल में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हमले में कम से कम 62 लोगों की मौत की खबर है और 145 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इस हमले की जिम्मेदारी कुख्यात इस्लामिक संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ने ली है। आपको बता दें कि हमले में कम से कम 62 लोगों की मौत की खबर है। वहीं रूस में इससे पहले भी कई आतंकी हमले हो चुके हैं। फिलहाल इस आतंकियों की जो तस्वीर है वो सामने आ गई है, लेकिन उनकी खोजबीन अभी भी जारी है कि किस ओर भागे होंगे, क्या प्लान है, और उनकी जो धरपकड़ है वो अभी भी जारी है। मॉस्को के मेयर ने भी इस मामले में बयान दिया है और फिलहाल उन्होंने ये कहा है कि वो पीड़ितों के साथ है और हर संभव जो मदद है वो देने का प्रयास तो किया ही जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ इससे अब रूस की इंटेलिजेंस एजेंसीज खासी सक्रिय हो गई है। बड़ी बात ये है कि रूस के नए राष्ट्रपति यानी कि व्लादिमीर पुतिन जब दोबारा राष्ट्रपति बन गए तो उसके बाद से ये आतंकी हमला देखने को मिला है। उन्हें राष्ट्रपति बने हुए अभी तक हफ्ता भी नहीं हुआ है कि रूस में एक बड़ा आतंकी हमला हो गया है। हालांकि इसके जो तार है वो अब क्या इसी मुद्दे से जुड़े हुए हैं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये बड़ा आतंकी हमला हुआ है उससे पूरा रूस जो है वो दहल गया है। लेकिन आपको बता दें कि रूस में जो आतंकी हमलों का इतिहास नया नहीं है, रूस में आतंकी हमले पहले भी होते रहे हैं। 1999 में अपार्टमेंट में ब्लास्ट हो गया था, इसमें कम से कम 293 लोग मारे गए थे और 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। वहीं 2002 में चेचनिया विद्रोहियों ने थिएटर में 800 से ज्यादा लोगों को बंधक बना दिया था। 2003 में रॉकर्स कंसर्ट हॉल पर हमला हुआ। 2004 में मेट्रो बम ब्लास्ट हुआ। 2010 में मेट्रो में आत्मघाती हमला हुआ। वहीं 2011 में भी हवाई अड्डे पर हमला हुआ। यानी कि रूस का जो इतिहास है वो भी आतंकवादी हमलों से पटा पड़ा है जिस तरीके से भारत का है। लेकिन फिलहाल इन आतंकी हमलों के बीच में जिस तरीके से ये बड़ा आतंकी हमला हुआ है उस पर अब रूसी प्रशासन और रूसी शासन पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है और इस मामले में जांच पड़ताल कर रहा है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।